मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत गुरुजन, सत्संग पंडाल में विशाल जन समूह के रूप में विराजमान सम्माननीय श्रोता बंधुओं, माताओं बहनों, युवा साथियों तथा प्यारे बच्चों, एक विद्वान ने लिखा है सोचने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। तो दूसरे विद्वान ने लिखा हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। तीसरे विद्वान ने लिखा दूसरों की संवेदनाओं को महसूस करने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। चौथे विद्वान ने लिखा रोने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। मनुष्य कौन है? सद्गुरु कबीर ने कहा है मानुष होइ के नाम हुआ मुवासो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भयासो हाथी घोर। हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं। क्या हम रोने के लिए पैदा हुए हैं? कहने को तो ये कहा जाता है मनुष्य का बच्चा रोते रोते पैदा होता है। ये भी प्रकृति की एक विडंबना है। दुनिया में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते नहीं हैं। गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे, घोड़ी के बच्चे, कुतिया के बच्चे, सूरी के बच्चे या और अन्य जितने प्राणी हैं, जो अंडज प्राणी हैं, जो पिंडज प्राणी हैं, उनके जितने बच्चे जनते हैं जन्मते हैं वे रोकर नहीं पैदा होते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि मनुष्य का बच्चा जन्मता है, पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। मां बहनों को पता है अगर बच्चा पैदा हो और ना रोए तो बच्चों को रुलाया जाता है। चींटी उटी काट लेते हैं कुछ लोग कि रोने लगे बच्चा, और उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं रोता है तो अगल बगल बैठी हुई माताएं बहनें रोने लग जाती हैं, इसका मतलब बच्चा जिंदा नहीं है। कवि ने कहा है आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। क्या यही जिंदगी की नियति है? रोते रोते पैदा होना हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इस सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन आगे की जो दो और स्टेप्स हैं, आगे के जो दो और कदम हैं, आगे के जो दो बिंदु हैं, उन बिंदुओं में परिवर्तन ला सकते हैं। शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मरना, अगर हम मनुष्य हैं
तो हमारे ज़िंदगी की शिकायत भी दूर हो जानी चाहिए और ज़िंदगी भर ऐसा काम करें कि मरते समय हमारे अंदर किसी तरह का कोई पश्चाताप का क्षण व्यतीत न करना पड़े। ये कोशिश हम करके बदल सकते हैं। मैंने सुबह के सत्र में भी कहा था कि मनुष्य अपने को बदलता है तो मानो वो समाज को बदलता है, परिवार को बदलता है, परिवेश को बदलता है, एक सिस्टम को बदलता है। और अपने को बदलने का मतलब है अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करना। क्रियाकलापों में परिवर्तन करना और क्रियाकलाप में परिवर्तन का मतलब है अपने आप में परिवर्तन करना, अपने आप को बदलना। इस बात को आप जाने, जब आदमी प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरता है तो अनायास ही मन में आक्रोश होता है, मन में क्रोध होता है, मन में उद्वेग होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रोध करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण दिया गया है? मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, आंदोलित होने के लिए, आक्रोशित होने के लिए, क्रोधित होने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? आज तक आपने सुना है ये बच्चा गुस्सा नहीं करता है, कुछ दिन इसको गुस्सा सिखा दें। गुस्सा सिखाया नहीं जाता है, क्रोध सिखाया नहीं जाता है, आक्रोश सिखाया नहीं जाता है, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर निहित है। प्रशिक्षण क्रोध का नहीं लेना है, प्रशिक्षण क्षमा का लेना है। प्रशिक्षण गुस्सा का नहीं लेना है, प्रशिक्षण मुस्कुराहट का लेना है। प्रशिक्षण हंसने का नहीं लेना है, प्रशिक्षण लेना है प्रसन्न रहने का। आदमी हंस लेता है। मैंने अभी एक बात कही ना कि बदलना अंदर से है, परिवर्तन अंदर से होता है। आप यहां आए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? यहां आप किस लिए आए हैं? क्या आप इस उम्मीद से आए हैं कि सत्संग में जाएंगे और 3 दिन सत्संग सुनेंगे तो हमारे पास 3 बीघा खेत है, 6 बीघा खेत हो जाएगा? इस उम्मीद से आए हैं आपका खेत बदल जाएगा? क्या इस उम्मीद से आए हैं कि आपका घर बदल जाएगा? क्या इस उम्मीद से आए हैं कि आपके रसोई के बर्तन बदल जाएंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, आपकी चादर बदल जाएगी, आपका रंग बदल जाएगा, आपकी साइज बदल जाएगी, आपका चेहरा बदल जाएगा? ये सब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहां आप चेहरा बदलने नहीं आए हैं। चेहरे को बदलने के लिए कहीं जाना भी मत। ये आजकल ब्यूटी पार्लर लोग बहुत जाते हैं, लेडी वाले लेडी में, जेंट्स वाले जेंट्स में, वहां भी चेहरा बदलता तो नहीं है, चेहरे में थोड़ी शाइनिंग कर देते हैं कुछ घंटों के लिए। लेकिन याद रखना बंधुओं, वहां चेहरा नहीं बदला जाता है, शरीर नहीं बदलता है। लेकिन ये ऐसा ब्यूटी पार्लर है, ये ऐसी जगह है, ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा माहौल है, ये ऐसा तीर्थ है। अगर आप सही ढंग से यहां आए और मनोनिग्रह पूर्वक इन वचनों को सुने, मनोनिग्रह पूर्वक इन बातों को सुने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, तन बदले न बदले, तन का रंग बदले न बदले, पर अगर सही ढंग से आप सुनेंगे तो आपके मन का रंग जरूर बदल जाएगा, आपका मन का रंग जरूर बदलेगा। मैंने कल उद्घाटन सत्र में कहा था कि काला धन को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने नोटबंदी का अभियान चलाया है, और आपके काले धन पर छापा मारने के लिए भारत में इनकम टैक्स विभाग है, वो आपके काले धन पर छापा मार लेंगे, आपके काले धन को बाहर कर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं,
काला धन जमा कहाँ से होता है? काला मन से। काला मन पर छापा मारने का है किसी के पास साधन? जब तक काला मन हमारे अंदर बना रहेगा तब तक काला धन खत्म नहीं हो सकता है। और इनकम टैक्स विभाग, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, काले धन के लिए दिमाग तो लगा लिए लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं है कि लोगों के अंदर से काले मन को भी बाहर निकाल सके। कोई संसाधन नहीं है। और काले मन को अगर बाहर निकालना है तो उसकी जो चाबी है, उसका जो रिंच है, उसकी जो की है और उसकी जो लॉकर के सिस्टम्स हैं, उसकी सारी जानकारी गुरुजनों के पास है, महात्माओं के पास है, संतों के पास है। इनके पास अगर आप सही ढंग से जाएंगे तो आपका तन चाहे सफेद हो ना हो, आपका काला मन जरूर सफेद हो जाएगा। और जब मन की काली मां खत्म हो जाती है तो जानते हैं आपके जीवन के चार सुंदर प्रसंग जीवन में आते हैं जो आपको बेहद खूबसूरत बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बात समेट लूं। आपके पास जब सुंदर मन होता है तो आप बेहद खूबसूरत लगते हैं, और जब आपका मन काला होता है तो बाहर से चाहे जितना श्रृंगार हो, साज सज्जा हो, चाहे जितना रंग रोगन हो, चाहे जितना क्रीम और प्रिंट हो, आप अच्छे नहीं लगते। कल्पना करिए, एक आदमी बहुत सुंदर श्रृंगार करके आए और आपको गाली देने लग जाए, अच्छा लगेगा? गाली देने लग जाए आपको अच्छा लगेगा? मैं राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान में घूंघट की बड़ी परंपरा, बड़ी लंबी लंबी घूंघट लोग डालते हैं, पहनते हैं। यहां भी घूंघट की प्रथा है लेकिन कम होती जा रही है, और कम होना बुरा नहीं है बंधुओं। मर्यादा हृदय में होनी चाहिए। कपड़ों से मर्यादा किया तो आपने क्या किया, लेकिन कोई बात नहीं, घूंघट का भी अपना महत्व है। मैंने राजस्थान में देखा बड़ी बारीकी से, वो लंबी लंबी घूंघट, तीन तीन हाथ का घूंघट, तीन तीन हाथ का, बूढ़ी बूढ़ी भी तीन तीन हाथ की घूंघट लेती है और आती है। और एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था और लंबी सी घूंघट लेकर के और ससुर से बात कर रही थी, घूंघट रखी थी तीन हाथ की और ससुर से बात कर रही थी, बात करते करते घूंघट के भीतर से ऐसा तीर चलाया कि ससुर के कलेजे में जाके बिंध गया। हमने कहा कि काश ये घूंघट न ली होती, घूंघटवे के भीतर से ऐसा तीर चलाई कि सीधे ससुर के कलेजे में लग गया। और ये तीर, मैं समझता हूं, उनकी बाहरी सुंदरता को बेकार कर रही है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि अगर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। क्या होगी बाहर की सुंदरता? आप सुन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर पागल की तरह बने रहो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपके बाल भी अच्छे हों, आपके कपड़े भी अच्छे हों, आपके सिस्टम से हों, ऐसा ना हो कि आप जो कपड़े पहने हो हजार क्रीज वाला कपड़ा हो, ये भी बेकार है। कपड़े भी अच्छे हों, घर भी अच्छा हो, मकान भी अच्छा हो, बिस्तर भी अच्छा हो, बेड भी अच्छा हो, आंगन भी अच्छा हो, बर्तन भी अच्छे हों, बच्चे भी अच्छे हों, लेकिन इन सब से बेहद जरूरी और खूबसूरत बात है आपका मन इन सब से भी अच्छा हो, सुंदर हो। क्योंकि सुंदर मन वाला खूबसूरत होता है, इस बात को आप जान लें। चाहे जितने आभूषण आप पहन लें, चाहे जितने सुंदर कपड़े पहन लें, हमारे देश में ये कहा गया है कपड़ों से किसी की खूबसूरती नहीं होती है, गहनों से खूबसूरती नहीं होती है। एक शायर ने लिखा है, आकाश की शोभा बादलों से नहीं चांद और सितारों से है। आकाश की शोभा बादलों से नहीं चांद और सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। और इंसान की शोभा उनके सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, सुंदर आभूषण और सुंदर घर से नहीं,
उनके सुंदर चरित्र और उत्तम विचारों से है। हम सबके जीवन में उत्तम विचार हो, उत्तम चरित्र हो, उत्तम व्यवहार हो, मीठी वाणी हो और हमारे आपस का संबंध मधुरतम हो, ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी सुंदरता है। ब्यूटीफुल, इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहा जाता है। मैं एक आलेख लिखा था एक पत्र के लिए, एक समाचार पत्र के लिए, उसका हेडिंग था ब्यूटीफुल। मैंने यूं ही लिख दिया था, मैंने उसमें 10 मुद्दे लिखे थे कि मनुष्य को ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और मनुष्य को वंडरफुल भी होना चाहिए, मनुष्य को केयरफुल भी होना चाहिए, मनुष्य को स्वीटफुल भी होना चाहिए, मनुष्य को हार्टफुल भी होना चाहिए, मनुष्य को पीसफुल भी होना चाहिए, मनुष्य को कलरफुल भी होना चाहिए। ऐसे मैंने 10 मुद्दों पर लिखा था। वर्ड सारे इंग्लिश के हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में इसको रूपांतरित करें, ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, ये सारे मुद्दे हमारे और आपके जीवन से जुड़े हैं। मेरा समय 1 मिनट बचा है और मैं इसी वचन के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की नहीं सर।